मैं वॉइस इज ऑडिबल निखिल जी? यस यू आर ऑडिबल। हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो माय टुडेज टॉपिक इज अगेन फ्रॉम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, दैट हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन। सो ऑथर ने यहाँ पे हम सबको मतलब इस टॉक के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपको लाइफ में कभी ये लगे कि मेरे पास वह काबिलियत नहीं है जिससे मैं यह काम कर सकता हूँ, या कोई भी काम कर सकता हूँ, जो भी कोई आप काम करते हो आपको लगते हैं कि नहीं यार मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो ऑथर बोलते कि जब भी ऐसा सिचुएशन है तब आप वहां पे बड़ा सोचो, क्योंकि कभी भी किसी चीज के बारे में जब हम बड़ा सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं तो वो हमारे लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो आप कमजोर हो जाते हो, अगर खुद को आप सेकंड क्लास समझते हो तो सेकंड क्लास हो जाते हो। सो इट्स ऑल डिपेंड अपन योर माइंड, कि आप जैसा अपने दिमाग में आप प्रोग्राम करोगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको जितना ज्यादा प्रोग्राम करोगे वैसा ही आपका दिमाग हो जाता है। सो यहाँ पे ऑथर ने आगे बताया है कि अपने बारे में हमेशा महत्वपूर्ण चीजें सोचे, अच्छी बातें सोचे, क्योंकि जब ऐसा आप सोचते हो तो सिर्फ अंदर से ही नहीं बाहर से भी वो रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर आप मान लो अंदर से अगर अपने बारे में आप अच्छा नहीं सोचते हो तो बाहर से भी वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे दिखने लगता है, आपके बॉडी लैंग्वेज पे भी दिखने लगता है, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा हो या कितना भी आप करो, बट इंटरनली जब आपका जो प्रोग्रामिंग होता है या जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है अगर वो सही तरीके से नहीं हो तो वो आपके फेस पे दिखने लगता है। तो वो कोशिश करना चाहिए हम लोग को कि इंटरनली जो भी हम लोग सोचते हैं या फिर समझते हैं वो हमेशा अपने बारे में अच्छा हो। सेकंड यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि कभी भी अपने गुण पे, जो आपका क्वालिटीज है, आपकी जो काबिलियत है, कभी भी उस पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको लेकर के आप हमेशा, क्या होता है कि जैसे आप सोचो कि लाइफ में हमारे साथ कभी कुछ बुरा हुआ रहता है या कुछ हम लोग हमारे लाइफ में कुछ गलत चीजें हुई होती है पास्ट में, उन सब चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं तो अपने को क्या माइंड में एक निगेटिव थॉट प्रोसेस आने लगता है, उस चीज को लेकर के बहुत सारी मन में गलत विचार आने लगते हैं। तो क्या होता है कि लास्ट टाइम में उस चीज के बारे में अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो माइंड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, लेकिन पास्ट में अपने साथ कोई चीज अच्छा हुआ होता है और उन सब चीजों को लेकर के हम सोचते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा पॉजिटिविटी आने लगता है अपने दिमाग में, पॉजिटिव वाइब्स आने लगता है और बहुत अच्छा, और मतलब कुछ करने के लिए और मन में चाहत होता है। तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि हमेशा अपने क्वालिटीज जो होते हैं, जो आपकी काबिलियत है, जो गुण है, उनके बारे में हमेशा सोचेंगे, क्योंकि अगर उनके बारे में सोचेंगे, उनको अगर आप और ज्यादा उन पे काम करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ने में, सफल होने में वो सारी चीजें आपको मदद करेंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि हमेशा लोगों के बारे में अपना नजरिया आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि सामने वाला भी इंसान होता है, हर किसी का अलग बैकग्राउंड होता है, हर किसी का अलग अपब्रिंगिंग होता है, ठीक है, हर कोई अलग अलग अपब्रिंगिंग से होकर के बड़ा होता है, लाइफ में गुजरता है या मतलब उनका अपब्रिंगिंग होता है। तो क्या होता है ना कि लेट्स सपोज मान लो कि फॉर एग्जांपल, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक माँ बाप के लिए क्या होता है, एक घर में एक माँ बाप का चार बच्चा या दो बच्चा या तीन बच्चा होता है, ठीक है, उसमें से कोई पढ़ के आईपीएस ऑफिसर बनता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या कोई कुछ भी नहीं बन पाता है। तो माँ बाप तो ऐसा नहीं होते कि मतलब चारों के बारे में अलग अलग नजरिया रखेंगे, वो उनके बारे में, चारों के बारे में सेम नजरिया रखते हैं, ठीक है, वो उन चारों को उसी तरीके से मतलब सेम नजरिया से देखते हैं। तो कोशिश करना चाहिए हमारे लाइफ में कि चाहे जो भी मतलब किसी भी सर्कल से आता है, कैसा भी होता है, उनको हमेशा वो रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनके बारे में हमेशा अच्छा थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, सो दैट कि उनको, उससे क्या होता है ना कि अगर एक कोई कमजोर बंदा होता है और उसको कोई अच्छा नॉलेजेबल पढ़ा लिखा वेल सेटल बंदा जब अप्रिशिएट करता है ना, तो लाइफ में उनको भी ना कुछ करने के लिए ना उनके मन में जज्बा आता है कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। और जो लोग कमजोर होते हैं उनको भी ना, अपने से जो बड़े लोग होते हैं उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है, ठीक है ना। सो अपना नजरिया हमेशा, चाहे छोटा हो बड़ा या बड़ा हो छोटा, हमेशा एक दूसरे के प्रति सही रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि ये इतना अच्छा चीज होता है ना कि जब इस तरह से आप अपने लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस में ये सारा चीज अप्लाई करने लगोगे तो आपका जीवन में जो चेंजेस होता है ना वो बड़ा ही चेंजेस होने लगता है। जैसे बुक का ही नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, कि बड़ा सोचो और बड़ा आपके जिंदगी में जादू हो सकता है। सो थॉट का बहुत लाइफ में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है।
और ये बुक मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि ये हम लोग का कार्यक्रम का बुक भी है और विजय सर भी रिकमेंड करते हैं कि मतलब हम लोग को ये बुक पढ़ना चाहिए और काफी दिनों से इस बुक को मैं पढ़ रहा हूँ, अब खत्म होने वाला है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मतलब न्यू कैंडिडेट्स आए हैं या जो अभी तक नहीं पढ़े, मतलब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक, मतलब पढ़ के जो बंदा या बंदी जो भी यहाँ पे है वो समझ गया ना, तो बहुत सारे उनके लाइफ में चेंजेस होने लगेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सभी आप लोग मतलब इस बुक के थ्रू जाओ। और इवन ये बुक है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आप लोग सब लोग, ये बुक है, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि जो नए बंदे हैं ना उनको भी पढ़ने के लिए रिकमेंड करूंगा और आपका बहुत सारा थॉट प्रोसेस इससे चेंज हो सकता है। तो ओवर टू यू निखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी।